हेलो गाइस, मैं तरन्नुम साकिब आप सबका वेलकम करती हूँ अपने कुकिंग चैनल में। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ पनीर टिक्का की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बगैर ओवन का आप अपने पैन में अपने तवे पे इसे बना सकते हैं और बहुत ही इजीली ये बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और आप देख भी सकते हैं ये कितना अच्छा दिख रहा है, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। जो न्यू है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी सीखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो वीडियो को स्किप ना करें, फुल वीडियो में बने रहें। चले बनाते हैं पनीर टिक्का। बनाने के लिए यहाँ मैं ले ली हूँ पनीर, ये 1 kg तक पनीर है। यहाँ ले ली हूँ मसाले, तो यहाँ टिक्का में मैं सारे घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ बनाकर खुद। तो ये लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है मैदा, चाट मसाला, रूम टेम्परेचर पे फेंटी हुई दही। तो यहाँ गैस पे पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 5 teaspoon के करीब ऐड की हूँ ऑयल, तो ऑयल भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। टू टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, मैदा भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सबको 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये बहुत डिफरेंट तरीका से मैं बना रही हूँ। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको कभी भी आपके पनीर टिक्का में कच्चापन नहीं आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ एक बॉल ले लेंगे, दही ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। ये जो मसाले मैंने बनाए हैं इसे ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेमन आपको ऐड करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे और पनीर की मसाले की कोटिंग पनीर के ऊपर कर देंगे। आप मेरे इस तरीके से पनीर टिक्का ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पनीर के ऊपर मसाले की कोटिंग हो चुकी है और ये पनीर बिल्कुल आपको कच्चापन नहीं लगेगा। नहीं तो अक्सर आप खाते होंगे पनीर टिक्का, आप देखते होंगे कि ऊपर से तो अच्छा लगता है बट अंदर से कच्चापन लगता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। बट इस तरह आप इसको सीख में फ्राई करें या डायरेक्टली आप तवे पे पैन में फ्राई सेक सकते हैं। आपको एक अच्छी सी कलर चाहिए तो इसमें फ्रूट कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं स्किप कर रही हूँ, पनीर टिक्का में फ्रूट कलर ऐड नहीं होता है। तो यहाँ इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रेस्ट पे रख देंगे। 15 मिनट हो चुका है तो यहाँ मैंने कट करके शिमला मिर्च और प्याज भी इस तरह से 4-4 पीस ऐड कर दी हूँ। अब इसे क्या करेंगे, एक कटिया लेंगे इस तरह से सीख, और सीख में इस तरह से इसको अंदर ऐड करेंगे। फिर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, फिर पनीर ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। इस तरह से भी आप इसे सेक सकते हैं। आप इसमें 2 या 3 पनीर लगा लीजिए, मैंने 2-2 लगाया है। एक साइड इधर भी मैं प्याज लगा लेती हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो मैं ये ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मैं 2 से 2 ही बनाऊँगी ये। तो यहाँ मुझे 2 बनाना था, ये 2 मेरा रेडी है। तो यहाँ पैन मैंने गैस पे रख दी हूँ और पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म है, तो इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। तो रिफाइन ऑयल थोड़े थोड़े से बिल्कुल ऐड करना है, अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेना है। फ्लेम को मीडियम कर देना है। ये जो सीख है इसे उठाकर दूसरी वाली सीख भी मैं इसी तरह से रख दूंगी और इस तरह से जो पनीर है इसको मैं साइड साइड में इस तरह से सेक लूंगी। बड़ा या छोटा साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
आप इसके ऊपर से घी बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ, इससे क्या है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसका साइड भी आराम आराम से चेंज करते रहिए। ये जो है उसको चम्मच के हेल्प से साइड चेंज करिए, जब एक चम्मच से ना उठे तो दोनों दो चम्मच लगाइए और इस तरह से पलट दीजिए। देख सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों साइड से हो चुका है। मैंने यहाँ फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ, अब इसकी कर लेंगे प्लेटिंग। इसे बनाना कितना आसान है, तो वीडियो देखें आप भी फटाफट बनाइए। आप चाहें तो इसमें चारकोल का स्मोक भी दे सकते हैं, कोयले का धुआं, और नहीं तो आप इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी हूँ और ये कितना मज़े का दिख रहा है। तो इसके ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, इससे क्या है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए पनीर टिक्का, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पिंक नमक। तो जिसको जिसको भी मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे शेयर करें। जो न्यू है वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।